हम समात के हवाले से नैब गिरफ्तारी से कबल हमजा शहबाज को आगाह करेगा। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत कबल अस गिरफ्तारी की दरख्वास्त निपटा दी है। आपको बताएं कि नैब गिरफ्तारी से कबल हमजा शहबाज को आगाह करेगा और हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत कबल अस गिरफ्तारी की दरख्वास्त निमटा दी है। इससे पहले ये समात होने जा रही थी, तब के मनासिर जब हमजा शहबाज अपने वकला के हमरा वहाँ पर पहुँचे थे लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ पर आज अहम केस की समात होने जा रही थी और अब ये समात हो चुकी है। नैब गिरफ्तारी से कबल हमजा शहबाज को आगाह करेगा, अदालती हुक्म सामने आ गया है। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत कबल अस गिरफ्तारी की दरख्वास्त निपटा दी है। आपको बताएं कि नैब गिरफ्तारी से कबल हमजा शहबाज को आगाह करेगा, ऐसा हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है। बात कर लेते हैं, उमर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, कहिएगा इस समात से मुतालिक क्या हम पेशरफ्त हुई इसमें? जी, लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने कायदे हिज्ब के खिलाफ हमजा शहबाज की कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत निपटा दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने समात की। हमजा शहबाज अदालती हुक्म पर अदालत के रूबरू पेश हुए। हमजा शहबाज शरीफ के वकील ने आजम नजीर तारण ने अदालत के रूबरू दलाइल दिए। हमजा शहबाज के वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तारी से 10 दिन पहले आगाह किया जाएगा, जिस पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि बताएं क्या हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए। हमजा शहबाज के वकील से अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी वारंट ही जारी नहीं हुए। समात के हवाले से बता रहे थे उमर शाकिर, शुक्रिया आपका।